ऑटो जीप यहाँ से जहाँ भी जाना हो उस साइड आपको टैक्सी मिल जाए। अस्तित्व अब ख़त्म ही होने वाला है। हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग, कैसे हैं आप सब। आज मैं बक्सर रेलवे स्टेशन पर खड़ा हूँ, जो कि यहाँ से मैं निकलूँगा बाहर की तरफ। चल रहा हूँ बाहर की तरफ। बाहर की तरफ जाने के लिए यहाँ पर जो स्वचालित सीढ़ी थी वो बंद पड़ी है, मैं उसी के मार्ग से जाऊँगा। एक नंबर प्लेटफॉर्म से मैं बाहर निकलूँगा। टेस्ट हो रहा है, यहाँ पे कोविड टेस्ट करा के कोई भी यात्री यहाँ से आके निकलेंगे। हम यहाँ से निकल सकते हैं, यहाँ से निकल सकते हैं। यहाँ पे इधर ये कोविड टेस्ट होते हुए कोई भी यात्री आ रहे हैं यहाँ से, तो यात्रियों में कोई सुविधाजनक चीज़ नहीं है। स्टेशन से बाहर निकलते हैं, यहाँ पे तिरंगा का व्यू आप देखेंगे। राजा ने कहा, हे प्रभु, आपने रक्त बीज के बल से संबंध रखने वाला देवी कृष्ण का यह अद्भुत महात्म मुझे बतलाया। अब रक्त बीज के मारे जाने पर अत्यंत शोक में भरे हुए शुभ और निशुभ ने जो कर्म किया उसको मैं समझा लूंगा। ऋषि रुवाच विकार को अतुलम। हम यहाँ पे स्टेशन से बाहर निकल चुके हैं और हम लोग जाएंगे नाथ बाबा के मंदिर की तरफ, क्योंकि बक्सर में ज़्यादातर पौराणिक चीज़ें हैं, पौराणिक और कुछ ऐतिहासिक चीज़ें हैं। और हम लोग नाथ बाबा मंदिर की तरफ निकलेंगे अभी, और हमारे मित्र यहाँ पे बाइक लेके आ चुके हैं और देखते हैं वो कहाँ पे हैं, उनको ढूंढना पड़ेगा। और ये रहे हमारे मित्र, मिल चुके हैं। मैं इन्हीं के बाइक से मैं नाथ बाबा मंदिर की तरफ निकलूँगा। दोस्तों, यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं बक्सर के किला पे, जो कि हमारे पीछे आप लोग देख रहे हैं। ये सब सारा ये बक्सर के किला का पार्ट है और हम आपको मेन किले पे चल के दिखाएंगे कैसा है यहाँ बक्सर का किला। हम लोग
चुके हैं बक्सर के किले में इंटर करने वाले हैं, जो कि आज ये जिला अतिथि गृह है। और आज इस मैं पूरे इस किले को नहीं दिखा पाऊंगा, क्योंकि जिला अतिथि गृह में कोई मंत्री आए हुए हैं। सिक्योरिटी प्रोटोकॉल की वजह से मैं इस किले को नहीं दिखा पाऊंगा आपके तरफ से।